सीजन 14 में ना जो भाई लोग कॉनकरर जाना चाहते हैं, सीजन 14 का कॉनकरर फ्रेम लेना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी कॉनकरर जाने में। इसीलिए गाइस बस आपको करना ये है ना, जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा ना, उसको ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है। इस वीडियो में खासकर मैं आपको ये बताने वाला हूँ ना कि केवल 4200 पॉइंट में ही आप सीजन 14 में कॉनकरर कैसे कर सकते हैं। और गाइस अब कुछ भाई लोग सोचने वाले हैं ना कि फिलहाल में जो सीजन 13 चल रहा था भाई, उसमें हमने एस किया था, 4200 से भी ज्यादा पॉइंट किए थे, बट हमारा कॉनकरर क्यों नहीं हुआ। तो गाइस इस वाली वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा और पता भी चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस इस तरह की वीडियो बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। तो भाई उम्मीद आपसे करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलिए गाइज फिलहाल में बात कर लेते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले गाइज आप लोग ये जान लीजिए कि फिलहाल में सीजन 13 चल रहा है और ये सीजन 13 19 तारीख को मॉर्निंग के टाइम पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप गेम खेलेंगे तो ना ही आपका प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। अभी के टाइम पे आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान के चलिए आपको सोलो में जाना है, या फिर मान के चलिए आप ऐसे बंदे हैं जो दुओ में कॉनकरर जाना चाहते हैं या फिर स्क्वाड में जाना चाहते हैं, जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ आप कॉनकरर जाना चाहते हैं सीजन 14 में, तो भाई फिलहाल में सीजन 13 19 तारीख को लॉक हो जाएगा। उससे पहले पहले आपको एस कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा होता है। जैसे ही सीजन 14 स्टार्ट होगा ना, तो आपका केडी जितने भी मैच खेले रहेंगे सारा का सारा जीरो हो जाएगा। और आप अगर एस करके रखेंगे ना और आप कॉनकरर जाना चाहते हैं, तो आपका जब टीयर रिसेट होगा तो आप प्लेटिनम 3 आपको मिलेगा, और प्लेटिनम 3 से आप रैंकिंग पुश करना स्टार्ट करेंगे। और जो बंदे एस पहले से ही करके नहीं रखेंगे और कॉनकरर जाना चाहते हैं, तो भाई आप लोग सोच लीजिए जब आपका टीयर रिसेट होगा तो और आप नीचे टीयर पे जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी रैंक पुश करने में। इसीलिए गाइज मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा 4-5 या 6 दिन बाकी है, आप लोग जल्दी से एस कर लीजिए जिसमें भी आप कॉनकरर करना चाहते हैं। अब गाइज दूसरे पॉइंट में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सीजन 14 में कॉनकरर जाना चाहते हैं रियली में, तो सीजन 14 सुबह में 4:45 पर स्टार्ट होगा। और सीजन 14 स्टार्ट होने से पहले आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सीजन 14 स्टार्ट होने से 2 दिन पहले सीजन लॉक रहेगा। आप गेम खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना ही प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। तो जैसे ही सीजन 14 स्टार्ट होना, तो आपको मॉर्निंग के टाइम से ही गेम खेलना स्टार्ट कर देना है। इसीलिए गाइस आपको सोच समझ के जो भी गेम खेलना है खेलना है। मान के चलिए सोलो में आप खेल रहे हैं, तो भाई सोलो में तो भाई करो या फिर मरो वाली सिचुएशन बनी रहती है हमेशा ही। और दुओ में अगर आप कर रहे हैं तो भाई आपका जो पार्टनर है वो तो बेस्ट होना ही चाहिए। यानी कि किसी को लेकर आप चले गए और बार बार मैच में वो बंदा डाउन हो जाता है, तो आपके ऊपर रस आएगा ही आएगा, क्योंकि बंदों को किल भी चाहिए होते हैं। तो भाई यही सारी कुछ चीजें हैं जो सोच समझ के आपको गेम प्ले खेलना होता है रैंक पुश के टाइम पे। मतलब नॉर्मल गेम प्ले से पूरा हट के होता है रैंक पुश का जो गेम प्ले होता है। और भाई हैकर वगैरह तो अलग से आते ही आते हैं भाई, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए भाई। मतलब अगर आप रैंक पुश लॉबी खेल लेते हैं और कॉनकरर चले जाते हैं ना, एशिया सर्वर की बात कर रहा हूँ, तो भाई मान के चलिए आप एक लेजेंड प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर हैं, ये आप मान लीजिए बस। अब इस बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि 4200 पॉइंट पे कॉनकरर कैसे करें। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो गाइस देखिए सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है ना, तो भाई उस वक्त से आप जब गेम खेलना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको आपकी रैंकिंग दिखाई देने लगेगी, 1000 या फिर 2500 आपकी रैंकिंग आपको दिखाई देने लगेगी। और सीजन स्टार्टिंग से लेकर 2 दिन तक, जी हाँ गाइस सीजन स्टार्ट अभी हो रहा है, अभी के बाद 48 घंटे के अंदर बंदे जो है ना वो एस टीयर पे पहुंच पाते हैं, मतलब 4200 पॉइंट कर पाते हैं। और जब स्टार्ट हो रहा है ना सीजन, उस वक्त से लेकर 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप 4200-4300 के पॉइंट लगभग अचीव कर लेते हैं, तो आपका इजीली कॉनकरर हो जाएगा। मतलब जैसे ही सीजन स्टार्ट होना, तो आपको खेलना स्टार्ट कर देना है और हर मैच में ज्यादा से ज्यादा प्लस लेने की कोशिश करनी है। और कम से कम आपको 2 दिन के अंदर तो भाई 10-10 घंटे लगातार खेलना ही पड़ेगा, तो ही आपका 4200 पॉइंट पे कॉनकरर हो जाएगा। मतलब अगर आप 4200 पॉइंट पे अगर आप कॉनकरर लेना चाहते हैं ना, तो 2 दिनों के अंदर आपको कम से कम 20 से 25 घंटे खेलना पड़ेगा, तो आपको 4200 पॉइंट पे कॉनकरर मिल जाएगा। और मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ तो भाई आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और गाइस
कॉन्करर कैसे जाएं बिल्कुल आसानी तरीके से, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं। अगर आप लोग रियली में चाहते हैं वो वीडियो मैं अपलोड करूं, तो कमेंट सेक्शन में ना #part2 कमेंट में स्पैम जरूर हो जाना चाहिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग उस वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। और गाइज, इस वीडियो में तो मैंने ऊपर थोड़ी बड़ी टिप्स बताई है कॉन्करर कैसे जाते हैं, 4200 पॉइंट पे आप कॉन्करर कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर 2 दिन के अंदर आप 4200 पॉइंट कर लेते हैं सीजन स्टार्टिंग से लेकर, तो आपका कॉन्करर हो जाएगा। उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे डेली खेलना पड़ेगा 2 दिन, तो ही आपका हो पाएगा। अदरवाइज तो भाई उसके बाद लेट होने लगेगा, तो ज्यादा पॉइंट करके आपको कॉन्करर करना पड़ेगा। तो गाइस यही थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो स्टार्टिंग में करनी पड़ती है अगर आप कॉन्करर करना चाहते हैं, सीजन 14 का फ्रेम लेना चाहते हैं पबजी मोबाइल लाइट के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और 4200 पॉइंट पे कॉन्करर कैसे करें वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा और पीछे करके देख लीजिए। और इतना ही नहीं गाइस, अभी इस वीडियो में तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, अभी और जो वीडियो आने वाली है 2 से 3 वीडियो और मैं अपलोड करूंगा कॉन्करर कैसे जाएं आसानी तरीके से इसके ऊपर। उस वीडियो में ना मैं बहुत ही सीक्रेट चीजें बताने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना। और हाँ, वो जो 2-3 वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो सीजन स्टार्टिंग जब होगा ना उसके लगभग में आ जाएगी, तो आप टेंशन मत लेना। फिलहाल में गाइस।